नगर परिषद बिछुआ में करोड़ रुपए खर्च कर पेयजल हेतु उच्च स्तरीय पानी टंकी एवं पाइपलाइन का कार्य किया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा की गई लापरवाही के कारण पानी टंकी में पानी भरते ही पानी टंकी सीपेज हो गई है, जिससे ठेकेदार द्वारा किए गए गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर नगरवासियों ने बिछुआ तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन। नगरवासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कई बार बंद चालू करने एवं एक साथ निर्माण कार्य न करने, साथ ही पानी टंकी निर्माण में सही मटेरियल का उपयोग न करने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इसके कारण शासन का करोड़ों रुपए बर्बाद होने के बाद भी आग नगरवासियों पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है और पानी टंकी कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पेयजल टंकी ने घटिया निर्माण कार्य से नगर की आम जनता में आक्रोश का माहौल है। साथ ही 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो नगरवासियों द्वारा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देखराम मालवी जी, कार्यकारी अध्यक्ष देवाराम पहाड़ी जी और समस्त हमारे कार्यकर्ता साथियों के सहयोग से और दोनों नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे होकर के आज हमारे बिछुआ में जो नगर परिषद के पास जो टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसका ठेकेदार कोई भोपाल के ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ टंकी का निर्माण किया है, परंतु वो टंकी बनने के बाद पहली टेस्टिंग में ही जिस तरीके से लीकेज हुई है वो एक प्रकार से भारी भ्रष्टाचार है। और निरंतर यहाँ के हमारे पत्रकार साथियों ने उस टंकी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर एक कम से कम 6 महीने से उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हर ऐसा कोई पत्रकार नहीं है, कोई पेपर नहीं है जिसमें पीएचई के संज्ञान में वो बात लाई नहीं गई, परंतु वो ठेकेदार की हठधर्मिता और उसकी राजनीतिक दबाव के प्रेशर के चलते ना ही पीएचई विभाग ने कोई कार्रवाई किया, ना ही हमारे नगर परिषद के प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया। उसको लेकर हमारे बिछुआ नगर में भारी जन आक्रोश है कि ऐसे संवेदनशील मामले में जहाँ पर टंकी 200 साल तक हमारी चलती है, जिसमें पानी हमारे नगर के लोगों को गर्मी का सीजन आ रहा है, अगर वो टंकी आज चालू हो जाती तो हमारे नगर की पानी की समस्या खत्म हो जाती, परंतु ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार को संरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जा रहा है, हमको तो ये भी सुनने में आया कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता का रिश्तेदार है, उसकी यहाँ धौंस जमाता है और उनके नाम का यहाँ दबाव बनाता है प्रशासन के ऊपर, और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है और पीएचई विभाग तो कमीशन लेने में इतना मकसूल है कि उनको जांच करने की फुर्सत नहीं है। तो इस भारी आक्रोश के साथ हमारे ग्रामीण जन के उपस्थिति में आज हम बड़ी संख्या में यहाँ पर तहसील प्रशासन में हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे नगर के जो पार्षद है, इन्होंने भी बहुत प्रयास नगर परिषद में किया कि इसकी जांच होना चाहिए, पर नगर परिषद का प्रशासन और यहाँ की जो नगर पालिका है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो भ्रष्टाचार में इतनी संलग्न है कि उनको भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा। उनको कमीशन से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आज हम लोगों ने आकर यहाँ तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिवस के अंदर इस टंकी की जो संवेदनशील जनता से जुड़ा मामला है, इसकी अगर जाँच होकर इस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई तो नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सब मिलकर के हम चक्का जाम करेंगे। इसकी प्रशासन को हमने चेतावनी दे रखी है, अगर 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम बड़ी संख्या में 1000-2000 की संख्या में एकत्रित होकर जन समुदाय के साथ और चक्का जाम करेंगे इसकी स्वयं, और बिछुआ नगर का बंद का आह्वान भी हम करेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी, चूंकि हमने प्रशासन में कलेक्टर से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर तहसीलदार से लेकर SDM से लेकर तमाम EOW में भी हमने इसकी शिकायत की, आज ये कापी यहाँ पर दी है कि इस संवेदनशील मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पर प्रशासन आज किसी भी विभाग में देखो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, मजदूरों की सुनवाई नहीं हो रही, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे, और प्रशासन इस तरह पूरे नींद में सोया हुआ है। प्रशासन को कोई चिंता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना दबाव है कि हमारे प्रशासन के लोग कोई न्याय नहीं कर रहे जनता के साथ, इसलिए हम आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित से आगे और बड़ा आक्रोश के साथ हम बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मैं इंद्रपाल पटेल, जिला कांग्रेस महामंत्री, छिंदवाड़ा बिछुआ। हमारे साथ में भाई देवाराम पहाड़े जी भी उपस्थित हैं, नगर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में हमारे पार्षद राजकुमार मरावी जी हैं, हमारे अध्यक्ष नगर के श्री लेखराम मालवी जी, हम तमाम वरिष्ठ हमारे यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण सहित समस्त हमारी जनता जनार्दन के साथ हमने यहाँ रोपा है। आगे हम कार्रवाई की प्रतीक्षा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से चंचलेश इंदौरकर की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।